अब इंतजार तो गदर 2 का किया जा रहा था, लेकिन इसी कड़ी में चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और सनी पाजी का वही रुतबा फिल्म के जरिए लोगों के बीच में काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आर बाल्की के हाथों इस फिल्म का निर्देशन हुआ है और इस समय यह फिल्म काफी ज्यादा चर्चाओं में है। और चर्चाओं में हो भी क्यों ना, क्योंकि 3 सालों के लंबे अंतराल के बाद सनी पाजी की कोई भी फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हुई है और ऐसे में उनके किरदार की इस समय जमकर तारीफें भी हो रही है। अब चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट की बात करें तो यह फिल्म कमाई के साथ साथ कई नए कीर्तिमान कायम करती हुई दिखाई दे रही है। अब इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म के शानदार कलेक्शन भी देखने को मिल रहा है, साथ ही दिन प्रतिदिन इस फिल्म के कई सारे रिकॉर्ड भी बनते देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सनी पाजी की यह फिल्म आने वाले समय में और भी कई सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देगी। महज 10 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाया गया है और 1000 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है, लेकिन जिस हिसाब से फिल्म की पहले दिन की कमाई सामने आई है वो काफी लाजवाब है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो सनी पाजी की यह फिल्म पहले दिन करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई कर ली गई है, क्योंकि पहले दिन जो टिकट का रेट था वो 75 रुपए था, यानी बहुत ही कम थे, लेकिन बावजूद इसके फिल्म की कमाई करीब 3 करोड़ रुपए हुई है। ऐसे में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं अगर फिल्म के टिकट के रेट अगर ज्यादा होते तो फिल्म की कमाई में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिलता। वहीं दूसरी ओर 1000 स्क्रीन पर इस फिल्म को पूरे भारत देश भर में रिलीज किया गया है। ऐसे में फिल्म की कमाई अगर 3 करोड़ हुई है और फिल्म का बजट 10 करोड़ है तो वीकेंड के अंत तक शायद यह फिल्म अपनी लागत को भी पूरा कर प्रॉफिट में चली जाए। लेकिन बात करें इस फिल्म के साथ रिलीज हुई और भी कई सारी बड़ी फिल्मों की, तो आज से 2 हफ्ते पहले अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म बर्मास सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके प्रति एक लंबे समय से बायकॉट की लहर भी देखने को मिली, लेकिन यह फिल्म रिलीज होती अपने सफलता के झंडे गाड़ी। लेकिन अगर इस फिल्म का कंपैरिजन चुप फिल्म से करें तो चुप फिल्म इस फिल्म से काफी आगे निकल चुकी है। सबसे पहले कंपेयर करना चाहेंगे एडवांस बुकिंग के मामले में। यहां मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बर्मास फिल्म से सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग चुप फिल्म की हुई है और इसके पीछे का रीजन भी है। यहां मैं आपको इस बात से रूबरू कराना चाहेंगे कि जब बर्मास फिल्म की एडवांस टिकट बुक हो रही थी तो उस दौरान टिकट के रेट कुछ और थे, लेकिन चुप फिल्म के एडवांस टिकट बुकिंग के समय टिकट के रेट 75 रुपए थे। ऐसे में इस फिल्म के प्रति ज्यादा एडवांस टिकट बुक हुए और फिल्म का बजट 10 करोड़ है और फिल्म की पहले दिन की कमाई करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास हुई है, यानी अपनी यह फिल्म लागत से करीब 30% कमा चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें बर्मास फिल्म की तो इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी 5 भाषाओं में रिलीज किया गया और फिल्म के स्क्रीन काउंट करीब 5000 के आसपास थे, यानी इस फिल्म को पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया। लेकिन फिल्म की अगर कमाई की तरफ डालें तो इस फिल्म का बजट करीब 400 करोड़ रुपए था और फिल्म के पहले दिन की कमाई करीब 35 करोड़ रुपए रही। ऐसे में कंपैरिजन के आधार पर चुप फिल्म भी इस मामले में बर्मास फिल्म को पीछे कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि बर्मास फिल्म को पीछे छोड़कर चुप फिल्म अब कमाई की तरफ बढ़ रही है और जिस हिसाब से फिल्म के प्रति लोगों का क्रेज देखने को मिल रहा है उस हिसाब से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म और भी बड़े कीर्तिमान हासिल कर सकती है।